नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूं, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन। इसके पहले मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निदेशक रह चुका हूं। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई का भी निदेशक रह चुका हूं और केजी मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन भी रह चुका हूं। आज वर्ल्ड टीबी डे है। हर साल 24 मार्च को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मनाने का मकसद ये है कि टीबी के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। आपको पता है टीबी एक इन्फेक्टिव डिजीज है। जब भी मैं टीबी के बारे में बात करता हूं तो टीबी से डरने की जरूरत नहीं है, ये 100% ठीक होने वाला रोग है, बशर्ते आपकी निदान यानी डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, समय से हो जाए और जो भी इलाज बताया जाए उसको पूरी तरह से खा लिया जाए, तब टीबी 100% ठीक हो जाती है। इसलिए मैंने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले साल हमारे भारतवर्ष में लगभग 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरे। क्यों मरे? क्योंकि टीबी के सारे मरीजों का जो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, सबका नहीं हो पाया। हमारी गवर्नमेंट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम और हमारे प्रधानमंत्री ने एक कॉल दी थी 2018 में कि हमें टीबी को देश से भगाना है और देश को टीबी मुक्त करना है 2025 तक। इस डायरेक्शन में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से नए नए काम शुरू किए, बहुत सी नए नए डायग्नोसिस के आयाम शुरू हुए, बहुत से ट्रीटमेंट के नए नए आयाम शुरू हुए जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। हमारा धर्म ये है कि हम उन चीजों का उपयोग करें, वहां जाएं, अपनी अगर आपको सिम्टम है तो तुरंत उसके डायग्नोस कराएं और इलाज पूरा करें। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपको कैसे ये पता लगेगा कि आपको टीबी हो सकती है? आपने रोज टीवी और उस पर देखते हैं कि अगर आपको खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा आ रही है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी लग रही है, मुंह से खून कभी कभी आ जाता है, गिल्टियां बढ़ जाती हैं, पेट में तकलीफ हो जाती है, तो ये सब लक्षण हैं तो टीबी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टीबी जैसे ये लक्षण आपको लगे आप तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस को निश्चित कराएं। उसके बाद एक बात और, अगर आपको इलाज लिखा गया है तो प्लीज अपना दिमाग न लगाएं। मुझे पता है कि जैसे आप 2-3 महीने इलाज खाते हैं आपकी तकलीफ दूर हो जाती है, लेकिन इसके मतलब नहीं कि आपकी टीबी दूर हो गई। तो टीबी का इलाज जितना भी बताया जाए उसको पूरी तरह से खाएं। आपको पता है भारतवर्ष में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है
टीबी रोगी को सहयोग मिले जिसको उसकी आवश्यकता है, चाहे वो जांच हो, चाहे वो उपचार हो या पोषण हो, सारी चीजें सरकार फ्री मुहैया करा रही है। और आपको पता है निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी के मरीजों को हर महीने 500 रुपया भी दिया जाता है, जो कि डीबीटी से ट्रांसफर होता है। तो आज के दिन मैं आपसे यही मैसेज देना चाहता हूं कि टीबी एक ठीक होने वाला रोग है। इसकी जैसे आपको महसूस हो कि आपको टीबी हो सकती है, आप इसकी जांच कराएं और इसकी दवा पूरी करें। धन्यवाद।